हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बनाने के लिए सीखेंगे, वो भी आसान तरीका से। देखिए, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब देखिए, इसमें एक तरीका क्या होता है, इस दोनों को गुना करते हैं और इसको दोनों को जोड़ देते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा चार दूना आठ, आठ में छः जोड़ देंगे तो हो जाएगा आठ छः चौदह, चौदह बट्टा ये चार। देखिए, जो भी संख्या आएगा गुना करके जोड़ने के बाद वो ऊपर में लिख देंगे और नीचे में जो है हर में वो संख्या सेम टू सेम लिख देंगे। और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे फिर भी। देखिए, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह तीन, सॉरी पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, यहाँ पर लिख देंगे इक्कीस बट्टा पाँच। अब देखिए, इस दोनों को एलसीएम लेंगे। जब इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नहीं होता है तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम गुना करके लिख देंगे। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा पाँच चौका बीस, यहाँ पर बीस आ जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, भाग देंगे तो कितना बार मारेगा, पांच बार, यानी पाँच चौका बीस पाँच बार मारेगा तो पाँच को इसको ऊपर से गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो चौदह एकम चौदह, चौदह दूनी अट्ठाईस, चौथी बयालीस, चौदह छः छप्पन, चौदह पच्चे सत्तर, यहाँ लिख देंगे सत्तर प्लस। अब इसको इससे भाग देंगे तो कितना बार माएगा, चार बार, चार से ऊपर का गुना कर देंगे, चार एकम चार, चार दूना आठ आ जाएगा चौरासी। अब देखिए, चौरासी आ गया तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये चार, उसके बाद सात सात चौदह एक पंद्रह बट्टा बीस, यही आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे, पूर्णांक वाला घटाव। देखिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आठ दूना सोलह, सोलह चार बीस दो बाईस, तो आ जाएगा यहाँ पर बाईस बट्टा आठ। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। अब इसको गुना करेंगे छः चौक चौबीस, चौबीस छः तीस, यहाँ लिख देंगे तीस बट्टा चार। अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे, अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आठ। अब इसको इससे भाग देंगे तो एक बार में आएगा, यहाँ पर लिख देंगे बाईस, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। अब इसको इससे भाग देंगे, अब इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा दो बार में, दो से ऊपर का से गुना कर देंगे तो आ जाएगा तीस दूना साठ बराबर। अब देखिए, इस दोनों में कौन सा बड़ा है, ये है साठ, इसका चिन्ह लगा देंगे। और देखिए, यहाँ पर साठ है और साठ में बाईस को घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आठ, यहाँ बच गया एक, यहाँ तीन आ जाएगा अड़तीस, यानी माइनस अड़तीस बटा आठ, यही आपका आंसर है। अब इसको हम भिन्न का गुणा बनाने के लिए सीखेंगे। अब इसको देखिए, गुणा करेंगे तो ये छः दूना बारह, अब बारह दो चौदह तो आ जाएगा चौदह बटा दो, ये बराबर का चिन्ह, ये गुना है तो गुना, दस दूना बीस, बीस छः छब्बीस, छब्बीस बट्टा दस। अब भिन्न को गुना यानी काटने के लिए आपको सिखा चुके हैं, इसको काटेंगे। देखिए, सात दूना चौदह, सात दूना चौदह, अब देखिए इसका आधा हो जाएगा पांच, इसका आधा हो जाएगा तेरह। अब देखिए, इस दोनों को गुना करेंगे यानी सात गुना
13/5 बराबर। अब 7 को पढ़ेंगे यानी 7 या 21 का, 7 या 21 के 1 * 2 = 7 * 2 = 91 यानी 13/7 = 91/5 यही आपका आंसर रहा। अब देखिए भिन्न का भाग भी इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पहले सर्वप्रथम इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, जैसे उसको सर्वप्रथम तोड़े हैं पूर्णांक भिन्न का जोड़ में, इसी प्रकार से इसको भी सर्वप्रथम हम पूर्णांक तोड़ेंगे। तो देखिए 6 * 2 = 12, 12 * 6 = 18 तो आ जाएगा 18/2। ये भिन्न का भाग है तो भाग लिख देंगे। उसके बाद एक 8 * 2 = 16, 16 * 4 = 20, 2 = 22 यानी 22/8। अब देखिए भिन्न का भाग का जो दाहिने साइड वाला संख्या रहेगा उसको पलट देते हैं, पलट देते हैं, जो हर में रहता है वो अंश में जाता है, जो अंश में रहता है वो हर में आता है। तो देखिए ये आ जाएगा 18/2 * 8/22 आ गया। अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो इसको आ जाएगा 9 * 2 = 18, इसका आधा 4, इसका आधा 11। अब तो कटता नहीं है तो इसको और इसको गुना कर देंगे, यानी 9 * 4/11। अब इस दोनों को गुना करेंगे, यानी 9 * 4 = 36, 36/11 यही आपका आंसर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।